everyone welcome to this party. Just give me your mark and you can give me money. Also, computer people give you mark and tell them that you have a idea. What is your name? 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 सो ये है रेड ड्रैगन का कारोरा 2 और ये कीबोर्ड पुराना कीबोर्ड है, मतलब ये 2021 में शायद लॉन्च हुआ था। सो अभी तक का जो बजट के हिसाब से कीबोर्ड है ये बेस्ट कीबोर्ड लगा मेरे को। मैंने बहुत सारा रिव्यू पढ़े, बहुत सारा इसका इंक्वायरी किए और तो चलिए ये आ गया, अब इसको ओपन करते हैं, लेट्स गो। सो यहाँ पर अमेज़न का ये लेबल लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो हमको ये काटना होगा, ज़रूरी है। और इसको भी ओपन कर देते हैं, जब तक इसको ओपन नहीं करेंगे जानेंगे नहीं अंदर में क्या है। कुछ नहीं, सिर्फ एक डील दिया गया है और इसमें जो प्राइस दिया गया है 1499, ठीक है। तो 1500 रुपया में ये कीबोर्ड आपको मिलता है। ये RGB कीबोर्ड है। इसका कुछ हाईलाइट्स जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो हाईलाइट्स दिया गया है, हाई स्पीच, हाई कंट्रोल, हाई रिस्पॉन्स, तो ये तीनों हाई 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 लिखा हुआ है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। सो यहाँ पैकिंग जो दिया गया है अमेज़न से, पैकिंग बिल्कुल बेकार पैकिंग है, क्योंकि इसमें पैकिंग कुछ किया नहीं, सब साइड में टेप मार दिया गया है और कुछ पैकिंग इसमें नहीं दिया गया है। सो यह कीबोर्ड बॉक्स पैक के अंदर कुछ भी नहीं है। कीबोर्ड का लुक्स तो काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसकी बोर्ड जो है नॉर्मली मैट फिनिश है और की बटन जो है काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ और काफ़ी सॉफ्ट है की इसका, हमको काफ़ी अच्छा लगा। जो वायर आपको मिलता है ये ऊपर में एक लैमिनेट किया हुआ वायर है, नॉर्मली वायर नहीं है, इसमें एक आपका लैमिनेट किया गया वायर दिया गया है। इसमें वायर का लेंथ जो है काफ़ी बड़ा है और ये जो पिन है, USB जो पिन है, ये गोल्ड प्लेटेड पिन है जो कि रस्ट नहीं आता है और लॉन्ग लास्टिंग ये चलता है। सो ये भी एक अच्छा साइज है। बाकी इसके बारे में और बताएंगे तो रियर में इसको आप दो लॉक दिया गया है और फुट रेस्ट के लिए आपको यहाँ पर एक एडिशनल सॉकेट दिया गया है। आप चाहे तो इसको निकाल, नहीं इसको निकाल आप नहीं सकते हैं क्योंकि ये फिक्स है, इसको आप नहीं निकाल सकते हैं। आप सिर्फ इसका हाइट ही बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ये आर्म रेस्ट है, इसको आप रख सकते हैं। सो कीबोर्ड जो है काफ़ी सॉफ्ट है। तो हमने जो इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिए हैं और इसमें RGB ग्लो होना स्टार्ट हो गया है। इसमें बहुत सारा फंक्शन दिया गया है, वन बाय वन हम मोड को आपको दिखाते हैं और कोशिश करेंगे सारे मोड आपको दिखाने के लिए। तो ये RGB ब्लिंकिंग जो है इस कंडीशन में है। अब नेक्स्ट फंक्शन बटन प्रेस करते हैं और इसको प्रेस करते हैं। तो इसमें आपका दो तीन कलर आपको इसमें दिख रहा है। फिर मैंने इसको क्लिक किया तो इसका जो स्मूथनेस था और ये डिले हो गया। अब इस बटन को क्लिक करते हैं तो ये फास्ट हो गया। तो आप इसका स्पीड जो है इसको अप एंड डाउन कर सकते हो। ये देखिए मैंने इसका स्पीड जो है डाउन कर दिए और अभी आप चाहते तो इसका स्पीड को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मोड गया। नेक्स्ट इसका जो लाइट का जो ग्लोइंग है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो इसमें आप डाउन कर सकते हो, इसमें आप इसको अप कर सकते हो। तो ये दूसरा मोड हो गया। नेक्स्ट चला जाते इस बटन में। इस बटन में LM1, LM2, LM3, LM4, LM5, पेज डाउन, इसमें भी बहुत सारा मोड दिया गया, मतलब 5 मोड इसमें दिया गया। फिर फंक्शन 1 LM1, LM1 में क्या होता है, आपका जो लाइट है वो थोड़ा देर बाद अपने आप चेंज होते रहेगा। ये आप देख पा रहे हो, ये 1x1 जो है सारा ये चेंज हो रहा है। अब चले जाते हैं LM2। LM2 में क्या है, LM2 में कोई एक लाइट जो है आप फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर कलर है आपका रेड, ग्रीन, वायलेट, येलो, ब्लू, वाइट, ब्लू। नहीं चले जाते पेज अप लाइट मोड 3 में। लाइट मोड 3 में क्या है, यहाँ पर एक ही कलर में आप इसको रख सकते हैं।
लाइट मोड 3 में और कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से कलर चेंज करके इसको रख सकते हैं। ये होगा लाइट मोड 3। देन आता है लाइट मोड 4। लाइट मोड 4 में क्या है, लाइट मोड 4 में सारे लाइट्स जो है ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप अगर इसको चाहते हो, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ फिक्स किसी एक लाइट में इसको ब्लिंक करने के लिए, ये नहीं हो रहा है। लाइट मोड, ये लाइट मोड 3। देन लाइट मोड 5 में आते हैं। 5 में क्या है, लाइट मोड 5 में भी वही ब्लिंक कर रहा है, लेकिन इसका ब्लिंक जो है थोड़ा डिले हो गया है। तो ये 5 मोड इसमें आपको मिल जाता है। तो मैं पर्सनली आपको बताऊं, ये इसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर आपको व्हाइट शेडो आ रहा है, बट ये व्हाइट है नहीं, ये प्योर रेड है, लाइट्स के लिए ये आ रहा है। ठीक है, मैं बिल्कुल बताऊं आपको, ये इसका एक्सपीरियंस मेरे बहुत ही अच्छा रहा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये कीबोर्ड परचेस करने के लिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में RGB में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कोई कीबोर्ड मैंने नहीं देखा काफ़ी इससे पहले मैंने और दो कीबोर्ड यूज़ किया जिसका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी इसके मतलब पैरेलल नहीं था। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत अच्छा अच्छा कीबोर्ड आपको मिल जाएगा, जो कि 8,000, 10,000, 5,000 में आता है। लेकिन बट यहाँ पर ये 2,000 के अंदर ये कीबोर्ड मैं आपको सजेस्ट करूँगा बेस्ट है। भले ही ये मॉडल 2020 में लॉन्च हुआ है, आज 2 साल पुराना मॉडल है, बैकडेट मॉडल, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट मॉडल है फॉर बेस्ट बजट के लिए। उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगा और बहुत जल्दी